सारी बीमारियों का जो है शुरुआत पेट से ही होती है। अगर हमारा पेट ठीक रहेगा, कब्ज ठीक रहेगी, तो हम एकदम स्वस्थ रहेंगे। अब हमें भरपेट भोजन नहीं खाना चाहिए। एक जो हमारा पेट है मुट्ठी जितना है, एक फिस्ट जितना हमारा पेट है, हमें उसको अपने दिमाग के हिसाब से आधा खाना चाहिए। एक प्रॉपर मात्रा में पानी पीना चाहिए। और मैं ये यहाँ पे पानी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, जो कि एक हानिकारक है। हरड़, छोटी इलायची, तेजपत्र, इनका हमें काढ़ा बना के ज़रूर लेना चाहिए। खाना खाने के बाद हमें आराम से टहलना ज़रूर चाहिए। वॉक वाइल्ड टॉक, इसमें हम अपने घर वालों के साथ आराम से आधा घंटा 15-20 मिनट टहलें ताकि हमारा खाना भी पच जाए और हम उनसे आराम से घर की प्रॉब्लम डिस्कस करें, घर की बातें करें। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं पलविंदर सिंह, अज आप गल कर रही हैं हेल्थ इशूज़ से। हेल्थ इशूज़ हरेक बंदे नूं ने, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ने। यह सारे क्यों वध रहे ने? साडे खाण पीण दा तरीके नूं लैके, किस तरह दे नाल तुसीं सही और डिप्रैशन, एनजाइटी, इहो जिहीआं बीमारियां तों बच सकदे हो। और यह सारी जानकारी देण दे लई साडे नाल खास तौर पर मौजूद ने दीपम सर ने, जो कि तेजस्विनी केरल आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर है, फेस 9 मोहाली दे विच है। और अज सानू जानकारी देंगे, देखो एक तो होंगी है थेरेपीज़, उसकी आड़ दे विच अज बहुत सारे मसाज पार्लर भी खुले हुए हैं जिथे लोग जाते हैं। आप डेली वीडियोज़ भी देखते हैं बहुत तरह दियाँ जिस दे विच वक वक इशूज़ होंगे है। चलो आप बाद डिस्कस करते हैं, पहला बहुत बहुत स्वागत है सर। सत श्री अकाल। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सर, तेजस्विनी केरल आयुर्वेदा बड़े लंबे समय तो मोहाली दे विच काम कर रहा है, किस तरह के नाल तुहाडा प्लान ये बनया भी आप इस तरह का शुरू करिए? तेजस्विनी केरल पंचकर्मा बारे पहले थोड़ा डिटेल दस दो। सर, तुसी ये बिल्कुल सही कहा। पहले तो मैं ये कहूँगा, तेजस्विनी केरला आयुर्वेदम फेस 9 मोहाली में 2008 से चल रहा है। और ये मेरा क्यों प्लान बना, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं डॉक्टर सिर्फ ये सोच के बना था कि मैं दवाई दूंगा। लेकिन जब मैं आयुर्वेदा में गया, जब मैंने केरला से मैंने बीएमएस की है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने केरला से की है, तो जब मैंने ये बीएमएस की, मेरा रुझान जो है, ध्यान जो है सिर्फ आयुर्वेदिक की तरफ हो गया। और आयुर्वेदा ये कहता है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो बंदा स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुर, आतुर मतलब पेशेंट, आतुरस्य विकार, जो पेशेंट के विकार हैं, पेशेंट की जो बीमारियां हैं उसको शमन करना, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ हेल्दी पर्सन एंड टू क्योर अ डिजीज ऑफ ए पेशेंट। तो उस बेसिस पे हम लोग एक पंचकर्मा सेंटर चला रहे हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, अभी सर ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे मसाज पार्लर चल रहे हैं, बिल्कुल मसाज पार्लर चल रहे हैं और वो गलत काम भी होता है, लेकिन जो हम मसाज करते हैं वो करते हैं टू मेंटेन द हेल्थ, वो एक हर एक बंदे की प्रकृति को देख के उसके हिसाब से हम आयुर्वेदिक ऑयल को यूज़ करते हुए उससे मसाज की जाती है। तो पहला क्या करते हैं कि अज के टाइम दे विच सर बहुत दौड़ भज वाली लाइफ हैगी है ना, हरेक बंदा भज रहा, किस तरह नाल स्वास्थ्य रहा जा सकता है? डेली रूटीन दियाँ कामां कारां दे विच कि गलों का ध्यान बंदे नूं रखना चाहिए? सबसे पहले अगर डेली रूटीन के काम कारां विच क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा खान पीन का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। वो मैं खाने की क्यों बात की, एक तो हमें हर कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिल रही है, दूसरा एसिडिटी, कब्ज, एक मैं ये सबको कहता हूँ कि एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? खाना हमें नहीं पता प्योर आ रहा है कि कैसा आ रहा है, जिसके कारण हमें पेट की कब्ज है और दूसरी बात एसिडिटी। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें भरपेट भोजन नहीं खाना चाहिए। एक जो हमारा पेट है मुट्ठी जितना है, एक फिस्ट जितना हमारा पेट है, हमें उसको अपने दिमाग के हिसाब से आधा खाना चाहिए। शास्त्रों में ये कहा गया है कि पेट में सबसे नीचे सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, ये तीन भागों में पेट को डिवाइड करके उसके हिसाब से कहना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम जूस की मशीन में ज़्यादा कीनू या ज़्यादा चीज़ें डाल दें तो वो भी घूम चलना बंद कर देती हैं। उसी हिसाब से
अगर हम पेट में भी ज़्यादा खाना डाल दें तो गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह निकलने बंद हो जाएंगे। इसलिए हमें पेट अपने दिमाग में रखते हुए जब हम खाना खा रहे हैं तो उसी के बारे में सोचते हुए आधा पेट खाना चाहिए, आधा खाना खाना चाहिए, चाहे वो दिन में 4 बार खा लो या 5 बार खा लो। और तीसरी बात, हमें एक प्रॉपर मात्रा में पानी पीना चाहिए। और मैं ये यहाँ पे पानी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, जो कि एक हानिकारक है। क्यों? सर्दी में हर चीज़ सिकुड़ती है, गर्मी में हर चीज़ फैलती है। तो हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं, और ये कह लीजिए फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। एक मैं यहाँ पे जिक्र ज़रूर करूँगा जो कि मैं अपने हर एक पेशेंट को करता हूँ, वॉक वाइल टॉक। आजकल की हमारी ज़िंदगी में मोबाइल या लैपटॉप या टीवी इतने ज़्यादा हमारे ज़िंदगी में घुस गए हैं कि हम मोबाइल देखने बैठते हैं तो मोबाइल ही देख रहे हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, साथ में मोबाइल चल रहा है, खाना खा रहे हैं तब मोबाइल चल रहा है, गाड़ी चला रहे हैं तब मोबाइल चल रहा है, रील्स चल रही हैं। रील्स ने सबसे ज़्यादा काम खराब किया, क्योंकि एक बार जब आप रील्स देखना शुरू करो तो रील्स ही देखते जाते हो। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था वॉक वाइल टॉक। जब हम सैर करें, सैर दो तरह की होती है, ब्रिस्क वॉक और दूसरा जिसको मैं नाम देता हूँ टहलना। टहलना मतलब आराम से, खाना खाने के बाद हमें आराम से टहलना ज़रूर चाहिए। वॉक वाइल टॉक, इसमें हम अपने घर वालों के साथ आराम से आधा घंटा 15-20 मिनट टहलें ताकि हमारा खाना भी पच जाए और हम उनसे आराम से घर की प्रॉब्लम डिस्कस करें, घर की बातें करें, जिससे कि हमारा पेट का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, हमारा खाना पचेगा और हम स्वस्थ रह सकते हैं। मान लो कोई घरेलू नुस्खा कुछ दसना चाहो जो पेट का कब्ज का कह सकते हैं, पेट को ठीक रखने का। कहते भी आयुर्वेद कहते होंगे कि सारिया बीमारियां पेट तो शुरू होंगे ने, तो पेट के लिए कि कोई नुस्खा नुस्खा हैगा तुहाडे कोल इस तरह का जो घर बना लैन साडे दर्शक? सर ये आपने मेरे मन की बात खींच ली, मैंने बोलना था कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। सर ने बात की डायबिटीज़ की, बीपी की। मैंने पहले कहा कि जब पेट से हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो वही बात है, अगर पेट से हमारे को कब्ज रहेगी तो हमारी ग्रोथ नहीं, हमारे ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लाइकोलिसिस प्रॉपर नहीं होगा। जब ग्लाइकोलिसिस प्रॉपर नहीं होगा, पैनक्रियास जो है हमारे उसमें वो अपनी जो स्टोर ग्लूकोज है वो एक्सक्रीट करने लग जाएंगे। जब वो अपनी स्टोर ग्लूकोज एक्सक्रीट करने लग गए, वो क्या कहते हैं, हम पेशेंट को ग्लूकोज शुगर हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगा, जिससे कि बंदे को बीमारी हो जाएगी। और तीसरी आपने कही बीपी, अगर हम मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो हमें बीपी होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि ये कह लीजिए हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो हमारी सारी बीमारियों का जो है शुरुआत पेट से ही होती है। अगर हमारा पेट ठीक रहेगा, कब्ज ठीक रहेगी, तो हम एकदम स्वस्थ रहेंगे। अब बात की आपने कि नुस्खा, तो मैं एक नुस्खा ज़रूर बताऊंगा कि हरड़, छोटी इलायची, तेजपत्र, इनका हमें काढ़ा बना के ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप गर्मियों का मौसम नहीं है, सर्दियों में उसमें सुंड डाल लीजिए थोड़ी सी, आधा चम्मच, तो ये आपके पेट के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा रामबाण इलाज है और आप इससे तंदुरुस्त रह सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं। क्या आपने बोला हरड़, छोटी इलायची, तेजपत्र, तो इसको कैसे बनाना कैसे है? इनका एक एक चम्मच लेके हरड़, छोटी इलायची, तेजपत्र का एक एक चम्मच एक ग्लास में डाल के उस ग्लास को एक भगोने में डाल लीजिए और उसको उबाल के आधा कर लीजिए और गरम गरम सिप भरते हुए पी जाइए, तो इससे आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, जब भी हम सुबह उठ के एक बारी हमें पैरों के बाहर ज़रूर बैठना चाहिए, या आप पैरों के बाहर बैठ के पानी पीजिए, सिप भरते भरते, एकदम नहीं पानी पीना, धीरे धीरे पैरों के बाहर बैठ के वो कीजिए, इससे हम स्वस्थ रहेंगे।